नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट रिया सो कॉल्ड स्टेटमेंट। मैं ऑब्वियसली जब स्टेटमेंट पढ़ रही थी, तब पढ़ते पढ़ते ही मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि आई थॉट आई विल हैव टू यू नो मेक अ वीडियो इमीडिएटली, बट मुझे लगा कि मैं अच्छी तरह से बैठ कर फिर प्यार से वीडियो बनाती हूँ और उसकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करती हूँ। जो लेटर रिलीज हुआ है मीडिया के अंदर, उसके अंदर रिया इज ऑब्वियसली कॉलिंग हर सेल्फ द डॉटर ऑफ इंडियन आर्मी सर्जन। इंडियन आर्मी का उसने शब्द का प्रयोग किया है। आई थिंक इंडियन आर्मी की शायद वो उतनी ही रिस्पेक्ट करती होगी जितना एकता कपूर इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करती है अपने वेब सीरीज के अंदर, क्योंकि ये लोग इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन सोल्जर्स, ये सब का प्रयोग तब करते हैं जब ये लोग फंस जाते हैं। एकता कपूर भी बहुत नेशनलिस्ट बनती है, बहुत हाथ जोड़ती है, बहुत दिखाती है कि उसके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। फिर इंडियन आर्मी को गलत दिखाने वाला एक वेब सीरीज बनाती है। क्यों? क्योंकि उसको अपना बिजनेस चलाना है। वैसे ही अब ये रिया चक्रवर्ती का जो लेटर की स्टार्टिंग है कि आई एम द डॉटर ऑफ एन इंडियन आर्मी सर्जन, सर्जन हो गया उसका फादर, डॉक्टर से सर्जन बन गया। वो डॉक्टर जो बैठ के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के लिए एंटी साइकोटिक ड्रग्स लाता था, क्यूटिपिन इंजेक्ट की जाती थी। तो ये है इंडियन आर्मी सर्जन की डॉटर। साथ साथ में वो अपने आप को महाराष्ट्रन हाउसवाइफ बता रही है। वाओ, लाइक अमेजिंग। ये महाराष्ट्रन लड़की बोल सकती थी, इंडियन लड़की बोल सकती थी, मगर अभी तुमने महाराष्ट्र का एंगल इन्वॉल्व किया है बिकॉज तुम्हें शिवसेना से सपोर्ट मिल रहा है, तो तुम अभी महाराष्ट्रन हाउसवाइफ का एंगल निकाल रही हो। मगर जो सुशांत बिहार से है और बिहार के लोग यू नो अपनी वट एवर दे क्या कहते हैं ग्रीफ या अपना एंगर ओवर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत उसको व्यक्त करते हैं, तो शिवसेना के लोग बोलते हैं कि ये बिहार के लोग बिहार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सुशांत वॉज द सन ऑफ मुंबई एंड ही इज एन इंडियन, मगर अब इसने महाराष्ट्रन हाउसवाइफ ये शब्द का प्रयोग किया है। हाउसवाइफ क्यों बाबा? तेरी शादी कब हुई थी? तूने तो लिव इन रिलेशनशिप पे कभी एक्नॉलेज नहीं किया। यू आर नॉट इवन मैरिड टू सुशांत सिंह राजपूत एंड वुमन जो सबसे ज्यादा काम करती है एंड नोबडी अप्रिशिएट्स व्हाट शी डज, बिकॉज ये लॉकडाउन के समय मैंने देखा कि किचन संभालना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। पैसा नॉर्मली कमाना बाय शूट by shoots, you know, going to the office, everything is easy, but managing kitchen is a very very difficult job. तो मैं housewives की बहुत respect करती हूँ, मगर आपने ये housewife angle क्यों डाला? क्योंकि आप तो obviously बहुत concentrate कर रही थी अपने career के ऊपर। आपने सुशांत सिंह राजपूत को use किया, you know, रूमी जाफरी की picture में घुसने के लिए। आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ conditions रखती थी कि आप उनकी leading lady बनेगी, because आपको तो कोई जानता नहीं था, मगर आप सुशांत सिंह राजपूत को use कर रही थी ना as a career ladder। तो अभी आप सडनली महाराष्ट्रन हाउसवाइफ हो गई, ठीक है? तो ये आपका दूसरा दोगलापन जो पकड़ा जाता है। फिर आप कहते हो कि अप्रैल 2019 का एक इंसिडेंट है जो आप कह रहे हो कि जहां पर आप सुशांत की सिस्टर ने आपको मोलेस्ट किया, मींस शी वाज ड्रंक एंड शी गॉट इनसाइड योर बेड एंड ग्रोप्ड यू। जी हाँ, आपकी लेटर के अंदर आपने ऐसा लिखा है। तो अप्रैल 2019 में आप सुशांत की लाइफ में थे और आप उनकी लिव इन पार्टनर थे अप्रैल 2019 में। मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने लिखा था कि आप अप्रैल 2019 में उसके साथ रहे रहे थे, तो अक्टूबर में आप यूरोप गए और यूरोप की ट्रिप में आप अपने भाई को लेके गए। क्यों? आप अपने लिव इन पार्टनर के साथ जा रहे थे ना, तो अगर वो अपनी बहन के साथ नहीं आया तो फिर आप अपने भाई को लेके क्यों गए? और यूरोप की ट्रिप के अंदर जब सुशांत को हैलुसिनेशंस होने लगी तो अपने भाई के साथ आप उसके कमरे में क्यों सोए? तो क्या आप तीनों एक ही बिस्तर पे सोए तभी? बिकॉज यू हैव गिवन दैट वर्डिक्ट कि सुशांत स्टार्टेड सीइंग एंड फीलिंग यू नो इमेजेस एंड हैलुसिनेशंस वर हैपनिंग टू हिम इन द यूरोप ट्रिप, जहां पर उसने कोई पेंटिंग को देखा। तो आप मुझे बताइए कि यूरोप ट्रिप के अंदर अक्टूबर के अंदर आप अपने भाई को लेके क्यों गए? यू शुड हैव गॉन अलोन विद सुशांत सिंह राजपूत और देन सुशांत शुड ऑल्सो हैव गॉट हिज सिस्टर, तो एक फैमिली आउटिंग हो जाती, ठीक है? अब आप कह रहे हो कि सिस्टर ट्राइड टू ग्रोप यू। पता नहीं है आपके साथ ही क्यों हुआ, सिस्टर डिड नॉट ग्रोप अंकिता लोखंडे, सिस्टर डिड नॉट ग्रोप कीर्ति सैनॉन, कृति सैनॉन, या दैट्स हर नेम, कृति सैनॉन। सिस्टर जस्ट ग्रोप्ड यू बिकॉज प्रोबेबली यू आर सो हॉट ह्यूमन बीइंग,
such a hot girl who's also a Maharashtrian housewife. You are obviously a Mahesh Bhatt heroine, so you have to be hot. Magar you are a Maharashtrian housewife, so the sister who got drunk probably pehli baar zindagi mein, kyunki aapke hisab se to sister drunk thi na, to sister jo pehli baar drunk ho gayi probably apne drink sambhal nahi paayi and suddenly she found you so hot ki she groped you. To ye jo aapne kahani kari thi na April 2019 का, उसका तो आई थिंक सच सबको पता चल गया है, बट नेवरदलेस वी आर जस्ट ट्राइंग टू डीकोड रिया चक्रवर्ती स्टेटमेंट टू द मीडिया एंड एवरीथिंग वाया हर लॉयर और हूएवर हर टीम इज, क्योंकि मुझे समझ नहीं पड़ रहा कि अगर सुशांत इतना अपसेट था आपके साथ तो फिर वो अपनी बहनों को मिलने क्यों गया. वो चंडीगढ़ ड्राइव करके गया ना अपनी बहनों को मिलने, आपको तो लेके नहीं गया मगर वो गया. आप उसको क्यों फोन कर रही थी 25 बार, आपके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में उसको फोन करा है 25 बार. ऐसा तो नहीं है कि फोन अपने आप बजने लगा और सुशांत ने आपके फोन से अपने आप को 25 बार फोन किए, नहीं ना. तो आप फोन कर रही थी तो मे बी आप इनसिक्योर थी कि अभी सुशांत अपनी सिस्टर्स के पास चला गया है तो शायद मेरे से दूर चला जाएगा, तो आपने ब्लैकमेल करना शायद शुरू किया. आपके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स की अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा. मगर आपका ये जो ड्रामा है ना, ये धीरे धीरे हम सबको समझ पड़ रहा है. अब दूसरा आपने क्या कहा कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था अपनी फैमिली को मिलने के लिए बिफोर हिज डेथ, और इतना रो रहा था फोन के ऊपर और अपनी फैमिली को बुला रहा था, और फिर बाद में जाके एक सिस्टर ने एग्री किया उसको मिलने के लिए. तो आपको पता है कि आपके सामने वो फैमिली को फोन कर रहा था. अच्छा, कौन से नंबर से फोन कर रहा था? आपके फोन से फोन कर रहा था, सैम्यूल मिरांडा के नंबर से फोन कर रहा था, दीपेश सावंत के नंबर से फोन कर रहा था, किसका सिम कार्ड यूज किया था? बिकॉज फिर वो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में दिखना चाहिए ना, सुशांत सिंह राजपूत के फोन से उसकी फैमिली को डेस्परेट कॉल्स गए कुछ दिन पहले, क्योंकि हमको तो पता चला कि सुशांत ने अपनी सिस्टर से बात करी थी आपके जाने के बाद. आपको शायद कॉल किया था बिकॉज वो दिशा सेलियन का एंगल हुआ था और दिशा सेलियन को आप सुशांत की लाइफ में लाई थी, मगर आपने तो उसको ब्लॉक करके रखा था. मगर कॉल डेटा रिकॉर्ड्स भी झूठे हैं, सब कुछ झूठा है, सिर्फ आप ही सही हो बिकॉज यू हैव सुपर पावर्स, यू आर रिया चक्रवर्ती, द सो कॉल्ड hot glamorous Maharashtrian housewife who is the discovery of Mahesh Bhatt sahab and Yash Raj. ठीक है ना, I'm just trying to give you your credits which are due because after all आपने कितनी मेहनत करी, आपने एक बेटे को अपने परिवार से दूर करवाया, आपने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि उसकी मौत हो गई, वो लड़का जो इतना टैलेंटेड था, तो आपको आपका क्रेडिट तो मिलना चाहिए. तो रिया चक्रवर्ती आप कह रही है कि सुशांत ने अपनी सिस्टर्स को अपने मरने से बहुत दिन पहले तक बहुत फोन किए, तो मुझे आप ये बताइए कि जब उनके फादर ने आपको मैसेज किया तो आपने उनके फादर को मैसेज क्यों नहीं वापस जवाब दिया? जब श्रुति मोदी को बोला गया कि टिकट के लिए पैसे भेजो तो श्रुति मोदी ने जवाब क्यों नहीं दिया? आपने क्यों नहीं उनके फादर को जवाब दिया? आप बैठ के सारे फोन्स नहीं हैंडल करती थी? तो अच्छा, आपकी बात मान लेते, आप खाली वो फोन कॉल डेटा रिकॉर्ड्स दिखा दीजिए, बता दीजिए पुलिस को कि कौन सा फोन था जहां से उसने अपनी बहनों को फोन किया डेस्परेट होके, और फिर एक बहन ने एग्री किया आने को, क्योंकि आप कबूल करती है ना कि सुशांत ने आपको अपनी लाइफ से निकाला, उसने आपको अपने घर से निकाला, मगर जाते जाते आप क्रेडिट कार्ड ले गई, आप कैश ले गई, आप ज्वेलरी ले गई, बिकॉज भूख पंगी तो रहती है ना आदमी के अंदर, चाहे कितनी क्या कहते हैं, कितना सुधारने का प्रयास किया जाए, जो भूख पंगी होती है वो भूख पंगी तो रहती है. तो वो भूख पंगी की वजह से आप जितना कैश था, ज्वेलरी था, सब कुछ लेके तो आप चले गए. मगर एनीवेज मैं आपका जो वर्जन है समझने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई बायस्ड लेडी तो हूं नहीं, मैं कोशिश करूंगी आपको समझने का, मगर आप अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर देती है. तो आप कह रही है कि आपको पैनिक अटैक्स आ रहे थे इसलिए आपको सुशांत ने घर से जाने को बोला, मगर अगर आपको पैनिक अटैक्स आ रहे थे तो आपने सुशांत की फोटोग्राफ्स क्यों अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर ली? आपको सुशांत की फोटोग्राफ्स अपने इंस्टाग्राम से डिलीट करने की तो जरूरत थी नहीं ना. आपको उसने अपनी लाइफ से निकाला या आपने ड्रामा किया या आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि आपकी फोटोग्राफ्स सुशांत के साथ एक भी नहीं थी आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर, जहां पर आप अभी कह रही हैं कि आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशन में थी. जी हाँ, आपने अभी तक सिर्फ उसको एक फ्रेंड बोला है, अ फ्रेंड विद बेनिफिट्स, जिसके क्रेडिट कार्ड्स आप यूज करती थी. तो आप मुझे बताइए, आपको पैनिक अटैक हो रहा है, आप करसी चावड़ा के पास जा रही है कि आपके पास क्यूटिपिन पड़ी हुई है? नहीं पड़ी हुई तो मंगा लीजिए, क्यूटिपिन बहुत फेमस हो गई है, और अपने अंदर थोड़ी गोलियां डाल दीजिए, इंजेक्ट भी कर सकती है क्यूटिपिन, क्योंकि आफ्टरऑल आपके फादर तो इंडियन आर्मी के सर्जन है, ही मस्ट बी नोइंग हाउ टू इंजेक्ट क्यूटिपिन, बिकॉज आई रियली
डोंट वॉन्ट यू टू बी डिप्रेस्ड. हाँ, डिप्रेशन से फाइट करना चाहिए. डिप्रेशन इज एन इलनेस लाइक कैंसर एंड डायबिटीज, एंड यू शुड फाइट डिप्रेशन. यू शुड नॉट लेट डिप्रेशन यू नो गेट ऑन यू. बिकॉज देखो, आपकी एक समर्थक है स्वरा भास्कर जी, हाँ, जो बहुत आपके लिए चिंतित है. वो समझती है कि आपको मीडिया ट्रायल नहीं होना, आपका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका जानी चाहिए कि आपका मीडिया ट्रायल कैसे रोका जाए. आपके समर्थन में तो आपकी वो जोया अख्तर भी आई, शिवानी डांडेकर की, क्या कहते हैं, ननंद या व्हाटएवर, बिकॉज शिवानी डांडेकर इज नाउ द सेकंड गर्लफ्रेंड ऑफिशियल ऑफ फरहान अख्तर, जिसके साथ आप यू नो काफी फ्रेंडली हैं. आप लोगों को पता है ना कैसे टैलेंटेड मेल सुपरस्टार्स को फंसाना है, तो यू गाइज नो हाउ टू वर्क इन द इंडस्ट्री. बिकॉज शिवानी डांडेकर भी कोई बड़ा नाम नहीं है, आप तो कोई नाम थी नहीं बिफोर दिस होल इंसिडेंट हैपेंड. सो एनीवेज, आप ऑब्वियसली अभी कह रही हैं कि मैं क्या कह रही थी, आप ऑब्वियसली अभी कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आपको घर से जाने के लिए बोला क्योंकि आप डिप्रेस्ड हो रही थी. तो आई रियली होप यू कैन एडमिनिस्टर क्यूटिप इन साइड यू, बिकॉज आई रियली डोंट वांट यू टू बी डिप्रेस्ड. स्वरा को भी आपकी बहुत चिंता है. वो स्वरा जो कहती है कि डिप्रेशन से फाइट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कितना अच्छा अच्छा बोल रही है आपके लिए, मतलब वही सुप्रीम कोर्ट के बारे में आई थिंक बहुत बकवास कर रही थी व्हेन द राम जन्मभूमि वर्डिक्ट केम इन द फेवर ऑफ द हिंदूज. जी हाँ, तब उसने क्या, आई थिंक शी डिड दिस ड्रामा इन एन इवेंट कॉल्ड एज मुंबई कलेक्टिव ऑन 1 February 2020, एंड उसने स्टेटमेंट्स किए थे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ व्हेन द वर्डिक्ट आया. एंड उसके खिलाफ अभी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कंसेंट मांगने का प्रयास किया गया है टू इनिशिएट क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हर. तो अभी ये कोशिश की गई है, प्ली डालने का प्रयास किया गया है टू इनिशिएट दिस कंटेम्प्ट अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसका वर्डिक्ट था अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट. अब उसने क्या बकवास करी होगी, वो तो एज इट इज बकवास करती रहती है. उसको तो ये भी नहीं पता सीए का फुल फॉर्म क्या है, मगर सीए के नाम पे उसने बहुत पब्लिसिटी खाई, दिल्ली को जलाया. मगर अब उसके खिलाफ वही होगा जो वो समझती है कि नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट बहुत कर रही थी ना अबाउट मीडिया ट्रायल अगेंस्ट यू. तो वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्ली डाली जा रही है उसके खिलाफ, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रही थी. आप भी ये जो ड्रामा कर रही है ना, करिए. आप अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट कर रही है, अच्छी बात है, आप कोऑपरेट करिए. आपका मनी ट्रेल मिल गया, आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस जब तक रजिस्टर नहीं होगा तब तक हम आपके केस को फॉलो करेंगे. जब तक आप जेल नहीं जाएंगी तब तक हम आपके बैठ के ये मोलेस्टेशन की कहानी बेच रहे हो, तो nobody is going to buy that, because अंकिता लोखंडे is on good terms with the family. वो अंकिता लोखंडे जो सुशांत सिंह राजपूत की 6 साल से सुशांत सिंह राजपूत के साथ 6 साल से रिलेशनशिप में थी. So yes, that अंकिता लोखंडे is on good terms with the sister and the father, and they talk to her. Unlike you, जो obviously समझती है कि आप इतनी बड़ी दूर परी हो जो प्रियंका ने आपका मोलेस्टेशन किया, ठीक है. तो आपकी ये कहानी मुझे समझ पड़ गई. आप वही औरत हो जो शादी करके घरों में घुसती है, डाउरी लेती है, डाउरी नहीं मिलता, डाउरी का मतलब झूठा इल्जाम लगाती है हस्बैंड के ऊपर, फिर बोलती है कि मैं ब्लैकमेल करूंगी अगर तुम मेरे को पैसे नहीं दोगे, मैं पुलिस को बोलूंगी तुमने मुझे मारने का प्रयास किया, मैं तुम्हारे ऊपर झूठा केस डालूंगी, तुम्हारी मम्मी भाई बहन सबको फंसा दूंगी. तुम्हारी जैसी औरतें ही ये सब प्रयास करती है. सो आई थिंक यू शुड एक्सपोज योर सेल्फ फर्दर. और भी स्टेटमेंट रिलीज करिए वाया योर टीम एंड वाया योर लॉयर टिल वी अंडरस्टैंड वॉट काइंड ऑफ अ पैथेटिक ह्यूमन बींग यू आर, रिया चक्रवर्ती, एंड अ पर्सन हु इज फुल ऑफ लाइज. तो ये था रिया चक्रवर्ती का लेटर डीकोड करना. और स्वरा भास्कर जो ऑब्वियसली अब सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देती है, मगर जब राम जन्मभूमि फैसला आया तब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलती है. जब साध्वी प्रज्ञा को बरी किया जाता है तो कोर्ट के खिलाफ बोलती है. वो स्वरा भास्कर अब कह रही है कि सबको जुडिशरी को फॉलो करना चाहिए, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए. तो स्वरा जैसी औरतें, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलिए, आप भी जुडिशरी के हिसाब से चलिए. अपना फायदा दिखा तो ओ माय गॉड, सुप्रीम कोर्ट के गुनगाना. अपना फायदा नहीं दिखा, लगा कि मुझे कोई टिकट दे देगा आपसे, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलना और मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काना. ये है आप लोगों का षड्यंत्र. रिया इतने पैसे ऐंठ लिए, अब सुशांत नहीं रहा, इतनी सारी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, तो अब गर्लफ्रेंड भी बन गई, लिव इन गर्लफ्रेंड बन गई, प्यार में पड़ गई. और जब वो जिंदा था तब ओ माय गॉड वी वर जस्ट फ्रेंड्स, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दीज आर जस्ट रूमर्स. तो ये जो तेरा ड्रामा है ना, ये सब देख रहे हैं. सो कंटिन्यू विद योर ड्रामा, बिकॉज आई थिंक यू नीड टू एक्सपोज योर सेल्फ फर्दर. बिकॉज जितना आप अपने आप को एक्सपोज करोगे उतना आप जैसी लड़कियों का जो नकाब है वो उतरेगा भारत के
पुरुषों की भलाई के लिए। नमस्ते, जय हिंद।